हेलो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था यार रियलमी 2 के बारे में, वीडियो बनाइए क्या क्या हमको स्पेक्स मिलने वाली हैं और क्या ये बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होगा रियलमी 1 से, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखता है और फिंगरप्रिंट नहीं है भाई इसमें। लेकिन रियलमी 2 आने वाला है, जहाँ पे कंपनी ने टीज किया है कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा, डुअल रियर कैमराज मिलेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिज़ाइन भी फ़ोन की कैसी होने वाली है, पूरा लीक हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं। साथ में क्लिक करना ना भूलें बेल आइकन पर। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले फोन की डिज़ाइन की, तो Realme 1 में आपको कोई भी नॉच वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन Realme 2 में आपको नॉच एक मिलने वाली है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने एक रिव्यू बनाया था Oppo A3s का, और फ्रंट पैनल की डिज़ाइन आपको सेम टू सेम उसी फ़ोन की तरह मिलने वाली है। मैं यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो, तो आप देख पाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे रियर पैनल की, तो रियर पैनल भी आपको उसी फ़ोन का एकदम कॉपी मिल जाएगा। बस एक चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, वो आपको Realme 2 में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लगा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो Realme 2 ने टीज किया था अपने फेसबुक पेज के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं 88.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और अगर आप देखेंगे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A3s का, तो वो भी सेम है। अब Oppo से भले ही अलग हो गया है Realme 2, लेकिन डिज़ाइन आपको सेम वही मिलने वाली है। इसके अलावा जो डिस्प्ले साइज होगा वो होगा 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस। अब बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का। जी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाई मीडियाटेक का चिपसेट इस बार आपको देखने को मिलेगा, तो फाइनली कल टीज किया था रियलमी ने और फाइनली अनाउंस कर दिया कि कॉलकॉम के साथ उनकी पार्टनरशिप इस बार हो गई है, तो आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। कौन सा होगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 6 सीरीज का मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 636 या फिर 660 भी हो सकता है। अगर आपको 660 मिलेगा तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर 636 मिलेगा तो आपको बजट में लगभग से 10,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि Asus का ZenFone Max Pro M1 भी है, जो कि आपको 11,000 में स्नैपड्रैगन 636 दे देता है। Realme 1 में जो कैमरा दिया हुआ था वो था 13 मेगापिक्सल का रियर सेंसर, जो कि सिंगल सेंसर के साथ में आता था, और फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता था। अब यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी थी वो काफ़ी औसम थी, अगर हम बात करें 9000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और वैसे भी Oppo के कैमराज काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन एक कमी थी इस डिवाइस में, वो थी कैमरे में ही। अगर आप पोर्ट्रेट मोड क्लिक करते हैं यानी बोके मोड, तो जो एजिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी, तो ये एक कमी थी और इसको फिक्स किया जाएगा Realme 2 में डुअल कैमराज से। और कंपनी ने फाइनली बोल दिया कि डुअल कैमराज आपको मिलने वाले हैं इस डिवाइस में, और ये हो सकता है 13+2 हो या 13+5 हो, इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। और फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है 16 मेगापिक्सल का आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी की। तो बैटरी कंपनी ने खुद ही बता दिया कि 4230mAh की बैटरी मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, फास्ट चार्जिंग अगर मिलेगी तो चार्जर प्रोवाइड कराया जाएगा नहीं, तो ऐसी कुछ ही कंपनियां होती हैं जो फास्ट चार्जिंग के साथ में फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड करती हैं, सभी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप बात करें बजट की कि आपको 10,000 में फास्ट चार्जिंग मिल रही है, तो बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जो कि आपको प्रोवाइड करा पाती हैं। अभी Infinix का एक फ़ोन आया है जहां पे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है और फास्ट चार्जर भी मिलता है। सो दोस्तों, यही कुछ आपको मिलने वाला है Realme 2 में। और यहां पे जो बैक दिया हुआ था वो ग्लास बैक नहीं था, हालांकि दिखता है आपको ग्लास फिनिश जैसा, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट है और उसमें भी आपको यही मटेरियल यूज़ होता हुआ दिख जाएगा। आपको बता देते हैं फ़ोन की प्राइस, तो फ़ोन की प्राइस आपको पड़ जाएगी लगभग से 10,000 के आसपास। अगर स्नैपड्रैगन 660 यूज़ हुआ तो थोड़ा सा प्राइस आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिख जाएगा, अदरवाइज स्मार्टफोन 10,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा Realme 2 के बारे में। और आपको क्या लगता है, और कुछ आएगा भाई Realme 2 में, तो वो भी बताइए कमेंट्स में। और आप लेने वाले हैं या नहीं, और Realme 1 अगर आपने लिया है तो क्या आप अपग्रेड करेंगे Realme 2 में, क्योंकि बहुत ही जल्द लगभग से 2 महीने के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। सो अगर आपको कुछ भी लगता है तो बता दीजिए कमेंट्स में। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में क्लिक कर दें बेल आइकन को। और अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं Instagram, Twitter पर, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।